क्लियर ठीक मैं तब यकीन कर लू ना कि ऐसा कर रहे हो पढ़ रहे हो नहीं तो कई सारे लोग अभी भी गाना गा रहे हैं वही मेरा बैकलॉग हो गया अरे भैया तुम्हारा जन्म क्या बैकलॉग के लिए हुआ कितना बैकलॉग लगाओगे तुम रेगुलर बैच में बैकलॉग था उसके बाद बैकलॉग था क्रैश कोर्स में बैकलॉग है तो भैया अब यह है कि बैकलॉग जो होता वो बोझा बन जाएगा और बोझा बन जाएगा इतना बोझा बन जाएगा कि आप दब जाएंगे इसलिए प्लीज क्रैश कोर्स में बैकलॉग इसी बातें मत कीजिए पढ़िए मेहनत कीजिए आप ठीक है ना थोड़ा कठिन होता है यार पढ़ना लेकिन ये कर सकते हैं हम थोड़ा हिम्मत रखेंगे तो क्यों नहीं होगा यार सब होगा सबके अभी क्या है अभी एक उम्मीद लाके बैठे हैं कि एग्जाम बढ़ेगा आगे कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब में जो आके बोलते हैं जैसे अखबार में देखा कि एक अभी होने वाला है इकतीस अगस्त फिर वह पंद्रह सितंबर तो वो देखो वो लोग आएंगे वह आएंगे अपना नृत्य करेंगे और बताएंगे तुमको कि एग्जाम कैंसिल आगे बढ़ने वाला है तो भैया ऐसा है कि वो सब बातें हैं। हम एक अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं भले एग्जाम आगे बढ़ेगा देखेंगे एक रिवीजन छोटा और मार लेंगे और क्या दिक्कत है उसमें ठीक है ना अभी लेकिन प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब के अपना टारगेट वो देखो ये आप बहाने ढूंढ रहे हैं हम एग्जाम आगे बढ़ेगा थोड़ा डिले और पड़ जाएंगे थोड़ा तो ये नहीं करो है ना ठीक है ये क्या है ये सब देखो अभी क्या है जो है लोग अपने वीडियो के व्यू के लिए कुछ भी करेंगे वो ठीक है लेकिन तुम अपने जिंदगी के लिए कुछ कर लो भाई पढ़ाई कर लो अच्छे से ठीक है है ना जो पढ़ रहा है उसको नहीं डाट रहा मैं जो नहीं पढ़ रहा उसको मैं आग्रह कर रहा हूं दादा अभी तो पढ़ लें तो कब का कब अभी नहीं तो कब ठीक है चलो तो बेटा पिछली बात क्लास में हमने कहा बात खत्म की थी हमने कहा था कि जो है ये आ, जब हम देख रहे थे यहां पे तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रांचिंग डिसेंट ठीक याद है और नेचुरल सिलेक्शन डार्मिनेस के बारे में हमने कहा था की कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था मोल्थस के बारे में बात किया था हमने क्या हमने तो जो है वो वेलेस के बारे में बात किया था हमने अच्छा बताओ वैल्स ने किस आईलैंड पर अपनी स्टडीज की थी बताइएगा जरूर ठीक है चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो भी कुछ परिवर्तन है वो परिवर्तन कहां हो रहे हैं वो जीन के लेवल पर हो रहे हैं वो डीएनए के अंदर हो रहे हैं और वही परिवर्तन वेरिएशन लेके आ रहे हैं और जो वेरिएशन जो विभिन्नता या वेरिएशन जो विभिन्नता या वेरिएशन आ रहे हैं वो वेरिएशन ही इवोल्यूशन में रोल प्ले कर रहे हैं ठीक है मतलब इतना है कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि जीन होते हैं हम जानते हैं कि जीन होते हैं हम जानते हैं कि एक जीन जो होते हैं वो कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं हम जानते हैं कैरेक्टर अलग अलग हो सकते हैं मतलब हमको वेरिएशन देखने मिल सकते हैं और हम जानते हैं कि वेरिएशन इज रॉ मटेरियल है ये ठीक है किसके लिए इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन जो बेटा ऐसा हो सकते हैं एक होते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन एक होते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं है ना एक होते हैं

म्यूटेशन हुआ तो उससे एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलिंग तैयार हुआ जो रसिव हो सकता है को बात बारे में भी बात किया था हमने याद है ना पुट के तो कहने का मतलब यह कि जीन की फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में जो कैरेक्टर है कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसके लिए एक जीन है तो जीन की की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में फिक्स होती है के, तो हमने क्या कहा इन ए गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्रेंस ऑफ एलिय और ऑफ ए जीन और लोकस ठीक है लोकस मतलब क्रोमोसोम पर वे स्थान जहां पर जीन मिलते हैं दी प्लेस ऑन दी क्रोमोसोम वेयर जीन्स आर प्रेजेंट उसे हम लोकस कहते हैं दिस फ्रीक्वेंसी सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन के कहते हैं यदि कोई म्यूटेशन ना हो सुनिए बात यदि कोई म्यूटेशन ना हो कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो कोई जीन फ्लो ना हो कोई जीन माइग्रेशन ना हो तो कहने का मतलब यह है कि जीन को कोई तरह का डैमेज ना हो तो जीन फ्रिक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिक्स रहती है इसको हम हार्डी बीनवर्क इक्विलिब्रियम या हार्डी बीनवर्क प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है तो कंक्लूजन क्या निकला यहां पर बेटा सुनते बात ध्यान से यहां कंक्लूजन यह निकला कि हार्डी बिनवर्क ने बताया कि कोई भी पॉपुलेशन में कोई पर्टिकुलर जीन है एक कैरेक्टर के लिए उसकी फ्रिक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिक्स रहती है ठीक मतलब ये कहता है आपसे दिस प्रिंसिपल सेज दैट द इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एक ध्यान से बात सुनिएगा बेटा ठीक है ना ये क्या कहता है ये सिद्धांत कहता है आपसे कि एक जनसंख्या में एलिल की आवृत्ति स्थिर होती है स्टेबल होती है कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन के क्लियर मतलब

सम टोटल ऑफ ऑल दी एल एडिक्वेंसी वन सभी एल एडिक फ्रीक्वेंसी मतलब की फ्रीक्वेंसी प्लस एल एल की फ्रिक्वेंसी दोनों का योग एक होता है क्लियर होता है आपस में एल एल की फ्रिक्वेंसी मैंने क्या कहा मैंने कहा मैंने आपसे कि क्यू की बात करें दोनों को मिला के दोनों का योग कितना रहेगा वन रहेगा कि मैंने क्या कहा आपसे प्रिंसिपल ऑफ डॉमिनेट सॉरी फ्रिक्वेंसी ऑफ डॉमिनेट एल एंड द द्रिक्वेंसी ऑफ रेसिव एल के दोनों को मिला के पी प्लस क्यू यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है स्मॉल पी रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉमिनेट एलिन एंड क्यू रिप्रेजेंटिव फ्रिक्वेंसी दोनों को मिला के क्या दोनों का योग एक होगा बेटा मान लो कोई बोलता है आपसे कहता है आपसे एक दी गई जनसंख्या में एलिन स्मॉल एंसम एक दी गई जनसंख्या में एक एलिन स्मॉल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी पॉइंट थ्री है तो बताइए डॉमिनेट एल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो आप बोलोगे यदि रसिव एल की फ्रिक्वेंसी पॉइंट थ्री है तो डॉमिनेट एल की फ्रिक्वेंसी क्या होगी कैपिटल ए की तो हमने कहा पी प्लस क्यू इक्वल टू वन होता है क्यू का वैल्यू पॉइंट थ्री रखा है उन्होंने पी का वैल्यू निकालना है तो वन माइनस पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन इसका आंसर आ गया ठीक है सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन यहां पर बेटा ध्यान से बात सुनो क्या बोल रहा है आपसे वो कह रहा है आपसे

पते की बात यह है कि हम एक काम करते हैं हम इतना जानते हैं कि हम इतना जानते हैं कि डोमिनेंट एल एल की फ्रीक्वेंसी जो कैपिटल ए है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है स्मॉल पी एच के रेसेसिव एल एल स्मॉल इस ए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है क्यू है ठीक है इतना हम जानते हैं हमें पता है अब हमने क्या कहा बेटा हमने कहा कि माल अब एक मोनोहाइब्रिड कॉस्ट नॉर्मल मोनोहाइब्रिड कॉस्ट हम देखें यहां पे तो हम क्या बोलेंगे हम क्या पाते हैं बेटा एक नॉर्मल मोनोहाइब्रिड कॉस्ट यदि हम देखें तो उसमें क्या मिलेगा हमें एक नॉर्मल मोनोहाइब्रिड कॉस्ट में यदि हमने क्या किया हमने जो है वो कैपिटल ए कैपिटल ए को क्रॉस कराया स्मॉल ए स्मॉल ए से F1 में सारे कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेंगे फिर इसको हमने इंटर क्रॉस कराया ठीक है तो हमको क्या मिलेगा बेटा एफ टू जनरेशन मिलेगा हमको सुनो मैं जेनेटिक्स को लगा रहे हैं यहां पे, हाँ पे क्या यहां यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल ए कैपिटल ए आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा स्मॉल ए स्मॉल ए आएगा मैं आपका बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीजें जेनेटिक्स में करवा चुका हूं बेटा ठीक है ना क्लियर ऐसा आएगा आएगा ना ठीक है अब एक काम करते हैं ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या मोनोहा इसमें आया एक कैपिटल ए कैपिटल ए रेशियो दो कैपिटल ए स्मॉल ए रेशियो वन स्मॉल ए स्मॉल ए आया ये आया ठीक है चलो एल की फ्रिक्वेंसी निकालते हैं कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी क्या है स्मॉल पी है तो हमने क्या कहा हमने कहा स्मॉल पी डॉट स्मॉल पी रेशियो टू स्मॉल पी डॉट स्मॉल क्यू क्योंकि जहां जहां जीन लिखा वहां फ्रिक्वेंसी लिख दी इसकी हमने वन स्मॉल ए स्मॉल ए मतलब स्मॉल क्यू डॉट स्मॉल क्यू ऐसे ही लिखोगे ना आप देखो कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी स्मॉल पी थी ठीक है स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी स्मॉल q थी तो हमने जहां-जहां कैपिटल a था वहां पे स्मॉल p स्मॉल p लिख दिया यहाँ पे कैपिटल स्मॉल a था वहां पे स्मॉल q लिख दिया हमने तो क्या मिला हमें हमें ये मिला यानी इसको इसको आदि हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको तो हमें क्या मिला हमें ये मिला p2 2pq q2 मिला या नहीं मिला मिला ठीक है मतलब ये है, है तो बोलेंगे? बोलेंगे, स्क्वायर टू वन यही तो मिला हमें और क्या मिला सॉल्व कर लीजिए आप इसको प्लस टू पी क्यू ठीक है बेटा है ना और प्लस जो है क्यू आएगा, आया ना यहां तो हमने क्या कहा देखो ये लिखा है पे देखो क्या लिखा है इन्होंने p plus q स्क्वायर ठीक है ना बेटा है ना यही आया ना जो इनसेट में लिखा है कैसे आया मैंने आपको बताया बेटा ऐसे आया ये ठीक है ये इस प्रकार से बेटा ये आएगा यहां पे ना ठीक है क्लियर तो मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटा एक दिमाग में फंडा डाल लो के p स्क्वायर रिप्रेजेंट कैपिटल a कैपिटल a डोमिनेंट होमोजाइगस एलील को रिप्रेजेंट करता है 2pq रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट है टू कैपिटल ए स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करता है ठीक है है ना ठीक है फिर जो है क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ए स्मॉल ए को ये रिप्रेजेंट करेगा है ना बेटा क्लियर ठीक है

डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपर्ट अब हमको पता है कि जीन फ्रिक्वेंसी बदलती नहीं है लेकिन जब आपने मापा और आपको अलग मिली के जैसे आपको अलग मिली तो आपको हुआ आश्चर्य कि अलग अलग क्यों है है ये ये क्योंकि कारण ये है कि इसके अलग होने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन आया है जीन फ्रिक्वेंसी सामान्य अवस्थाओं में यदि आप इवोल्यूशन को नहीं मानते नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं करते हैं तो जीन फ्रिक्वेंसी कायदे में बदलनी नहीं चाहिए थी पर जीन फ्रिक्वेंसी यदि बदल गई है मतलब कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है

याद रखिएगा बेटा हार्डी बिन्व इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले फैक्टर पांच होते हैं फैक्टर अफेक्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले फैक्टर जो है वो पांच होते हैं क्या होते हैं नंबर एक जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो ठीक है कुछ लोग जैसे सपोज हमने हमने कहा आपसे कि हुआ क्या हुआ ये इमेजिन करते, करते हैं एक एक हम बिल्कुल जनरल सीन इमेजिन करते हैं एक आइलैंड था उस आइलैंड पर जो है वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी ट्राइब सहा करते थे वहां पे कई सारे ठीक है ना एक ट्राइबल कम्युनिटी वहां रहती थी आइलैंड पर अच्छे से रहता अपना था, जो भी काम चला वहां पर अचानक अंग्रेज पहुंच गए वहां पर अंग्रेजों ने देखा कि अरे यार इस, इस आइलैंड पर तो काफी सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है इसमें तो जम, जमीन खोदो इसमें से सोना निकल रहा है इसमें से जो है वो कई मेटल्स निकल रहे हैं और ये आइलैंड तो बड़े काम का है इसमें तो अच्छे अलग तरह के फल भी लगते हैं और इसके पास तो बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है क्यों ना इस पर कब्जा कर लें अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया ट्राइबल कम्युनिटी को उन्होंने जो है परेशान करना शुरू किया हटाना शुरू किया उनके घरों को छीन लिया और वो फाइनली ट्राइबल कम्युनिटी उस आइलैंड को छोड़कर कहीं और चले गए वो ठीक है

लोग बदल गए कुछ यहां से वहां चले गए कुछ बाहर से वहां तो ये जीन फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करता है जीन जीन फ्लो और माइग्रेशन ठीक है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या हुआ अब सुनो ये सब कहानियां सुनना जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या हुआ कि एक जगह थी उस आइलैंड पे हम छोटी छोटी कहानियां दिमाग में रखेंगे एक आइलैंड पर अलग अलग कम्युनिटी के होते हैं कुछ निग्रो रहा करते थे वहां पे कुछ वहां पर जो है अफ्रीकन मतलब अफ्रीकन या निग्रो रहा करते थे कुछ यूरोपियन वहां पर थे और कुछ एशियाई मूल के लोग एशियाई लोग वहां पर थे भाई कॉन्टिनेंट वाइज लोग है ना तो मैंने कहा कि एक कोई आइलैंड था कोई जगह थी वहां पे जो है कुछ कुछ अफ्रीकन थे कुछ यूरोपियन थे और कुछ एशिया के लोग थे यहां पे कोई बीमारी फैली एक वायरल डिजीज फैली उस वायरल डिजीज ने क्या किया कि वो जीन मतलब कुछ पर्टिकुलर भाई हर जीन में अपने कुछ केमिकल बनते हैं तो उसने क्या किया उसने सबसे अधिक अफेक्ट किया उसने किसको यूरोपियन लोगों को हुआ क्या कि वो बीमारी होती थी लोग बीमार पड़ते थे रिकवर नहीं कर पाए कुछ लोग मर गए देखा गया कि यदि बीमारी 100 लोगों को हुई है तो 100 में से 100 के 100 जो अफ्रीकन थे उनको बीमार पड़े ठीक हो गए कुछ नहीं हुआ उनको 100 में से 90 एशियाई लोग 90 पंचानवे 95 एशियाई लोग बीमार पड़े 100 लोग में बीमार पड़े 95 एशियाई लोग जो है वो रिकवर कर गए पांच लोगों की डेथ हो गई मान लो जब वही बीमारी यूरोपियन को हुई तो सो में से जो है वो पचास लोगों की डेथ हो गई पचास बचे सेम बीमारी थी वो अभी क्या हुआ अभी ये हुआ कि एक बीमारी ने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अफेक्ट किया और वो जीन इलिमिनेट होने लगे धीमे धीमे कोई घटना घटी जिसके चलते जीन पर्टिकुलर जीन जो है वो कम होने लगा एकदम दैट इज दी जेनेटिक ड्रिफ्ट कोई इवेंट घटा चांस इवेंट टाइप इवेंट था अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग खत्म होने लगे वो तो फ्रिक्वेंसी वहां की ओवरऑल बदली या नहीं बदली बदल गई पेट के फिर म्यूटेशन की बात करें कोई नया करेक्टर वहां पे आ गया जिसको प्रकृति ने एक्सेप्ट कर लिया वो जीन फ्रिक्वेंसी को बदल देगा उठ के फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो भी ग्रेजुअली जीन फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है और नेचुरल सिलेक्शन दट तो इज दार्ट ऑफ द इवोल्यूशन वो भी कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल परिवर्तन आया कि अचानक से उस पे जहां पर अंग्रेज रहा करते थे, पे कुछ ऐसा परिवर्तन, हुआ, परिवर्तन हुआ कि अधिक गर्मी लगी, लगी। यूरोपियन लोग बोले भैया हम इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे हम तो वापस इंग्लैंड लौट रहे हैं वो लौट गए इंग्लैंड एशियाई लोगों ने कहा कि हम में से जो लोग रह सकते हैं भारत वापस जा रहे हैं बाकी कहीं आसपास जाएंगे भैया हमारे बस की नहीं है अफ्रीकन बोले वाह अपना घर जैसा माहौल हो गया है तो तो वहीं रहने लगे तो प्रकृति में कुछ घटना घटा कुछ को कुछ के लिए वो सुटेबल था कुछ के लिए नहीं था अभी जिन लोगे तो क्या होगा अफ्रीकन जीन लोगों के जीन आपको बहुतायत में दिखाई पड़ेंगे तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बताते है हैं कहानी में कि एक्चुअली में कैसे प्रकृति में काम होता है ठीक है चलिए वेन माइग्रेशन ऑफ ए पॉपुलेशन टू अर्दर अदर प्लेस बड़ी संख्या में जनसंख्या का एक हिस्सा जो है वो दूसरी जगह चला जाए एंड पॉपुलेशन ऑकर्स जीन फ्रिक्वेंसी चेंज इन दी ओरिजिनल एज वेल एज द न्यू पॉपुलेशन अब क्या होगा कि जैसे लोग कुछ लोग यहां से उठ के कहीं और जाते हैं तो यहां का जीन फ्रिक्वेंसी चेंज किया उन्होंने और जहां पहुंचते हैं वहां का जीन फ्रीक्वेंसी वो चेंज करते हैं वहां पे ऐड हो जाएंगे यहां से डिलीट हो जाएगा उनका एलएल ठीक है ना बेटा न्यू जीन एलएल एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन में ऐड हो गए वो और पुरानी पॉपुलेशन से वो जीन एलएल जो है वो कम हो गए वो इसका मतलब इसे हम बोलते हैं जीन फ्लो कि मतलब जीन फ्रीक्वेंसी यहां से वहां शिफ्ट हो गई है वो ठीक है फिर इफ सम चेंजेस ऑकर्स बाय चांस यदि कोई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अचानक से हो गए होते हैं जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं उसमें एलियन फ्रिक्वेंसी जो है वो कई बार पुरानी पॉपुलेशन की तुलना में नई पॉपुलेशन में डिफरेंट हो जाती है कहते हैं कि जो बचे हुए हो जीव होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि नई पॉपुलेशन कैसी होगी इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं आप समझो बात को अच्छे से ठीक है हम समझते हैं एक आईलैंड था ये ये एक आइलैंड था ठीक है इस आइलैंड पे कुछ इंसेक्ट रहा करते थे ठीक है मैंने कहा ये इंसेक्ट है मैंने ब्लू वाला मैंने कहा ये ब्लू वाला इंसेक्ट है पांच इंसेक्ट एग्जाम्पल है पांच इंसेक्ट फिर ये ठीक है तीन इंसेक्ट ये और हमने कहा ये भी इंसेक्ट है ये बड़ी संख्या में यहां पे ठीक है हमने क्या कहा हमने कहा दिस इज दी ओरिजिनल पॉपुलेशन ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है बेटा है ना समझ रहे हैं बात को ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है आप सोच रहे हो कि ये जो है मेरे बाजू में जो है ये कौन है ये है बायोमेंट्रस का नया मैस्कॉट ये मैं नहीं हूं अब मैं इसकी चेह, इसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है पर ये बायोमेंटर्स की टीम का ओरिजिनल एक्चुअल और जो है सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर है ये मैं नहीं हूं। ये बायोमेंटर्स के कमांडर है हाँ हम दोनों जुड़वा भाई हैं इसलिए चेहरा हमारा मिलता जुलता दिख रहा है हमको ठीक है चलो तो अभी क्या है ओरिजिनल पॉपुलेशन है इसमें क्या हुआ कि कोई अब इसमें क्या हुआ बेटा इसमें हुआ ये कि कोई इवेजर... गॉड फिर से बनाना पड़ेगा ये चलो हम फिर से बनाते हैं ना आप थोड़ा सब रखी, मैं थे ये, है ना? चलो कोई बात नहीं सब रखते हैं कई बार है ना ऐसा हो जाता है कुछ कई बार तो ठीक है ना, हम फिर से हैं इसको ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा ठीक है ढेर सारा ठीक है ये क्या बेटा ये है पॉपुलेशन ठीक है क्या हुआ बेटा हुआ ये कि कुछ ऐसा घटा कुछ ऐसा घटा समथिंग हैपेंस कुछ हुआ बेटा यहां पे? कोई केमिकल आ गया कोई शिकारी आ गया जिसके चलते क्या हुआ पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वहां से शिफ्ट कर गया कहां शिफ्ट कर गया एक दूसरा आइलैंड के एक दूसरा आइलैंड था एक दूसरा आइलैंड के ये एक आइलैंड था और यहां से कुछ कुछ जीव जो है वो शिफ्ट कर गए कहां पे नए आईलैंड के दे शिफ्ट टू द न्यू आइलैंड या सेम जगह पे थे सेम जगह पे मर गए मान लो मैंने या नई जगह पे शिफ्ट कर गए वो के कि वहां पे कंडीशन ऐसी बन गई थी कि वहां पे रह पाना मुश्किल था तो क्या हुआ अब ये जो शिफ्ट किए वो कैसे आ गए मैंने कहा ये दो शिफ्ट किए ये एक शिफ्ट किया एक शिफ्ट किया ये मान लो ये चार इंसेक्ट वहां से यहां आ गए अब सुनो बात ध्यान से ये जो पॉपुलेशन थी दिस इज दी फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन नई जनसंख्या जो बनेगी उसके फाउंडर मेंबर बन गए हैं अब क्या हुआ अब संख्या बढ़ी धीमे धीमे संख्या बढ़ी तो क्या हुआ ये चुकी अधिक थे तो ये अधिक हो गए ये कम थे तो ये कम रह गए मान लो ये दो आए थे यहां पे समझने के लिए बता दिया मैंने ठीक है ताकि कंफ्यूजन ना हो क्या हुआ अब इस नई जनसंख्या यदि आप इस नई पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी को पुरानी पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी से कंपेयर करोगे क्या यह सेम है सेम नहीं है क्यों सेम नहीं है क्योंकि तो आपने कहा सर जो वहां से शिफ्ट होकर यहां आए थे ना उनने जो पॉपुलेशन बनाई उसकी फ्रिक्वेंसी तो अलग हो गई ना तो मतलब दे आर दी फाउंडर मेंबर संस्थापक हो गए वो तो इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं जेनेरिक ड्रिफ्ट हुआ या कुछ ऐसा घटना घटा कि कुछ जीव अलग आइलैंड पर चले गए या सेम आइलैंड पर रह गए उसमें से कुछ जो बचे होंगे वे फाउंडर मेंबर कहलाएंगे और अगली पॉपुलेशन उनके अकॉर्डिंग बनेगी इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं क्लियर ठीक है माइक्रोवाइल एक्सपेरिमेंट शो दैट द प्री एग्जिस्टिंग एडवांट देखिए प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजस म्यूटेशन वेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फ्यूनोटाइट अब यह एनसीआरटी किसके बारे में बात कर रहा है यह बात कर रहा है लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में एनसीआरटी चुपचाप है यहां पे लिखा नहीं उसने स्कोर के पर पूछा वही है बताया वही है उसने एनसीआरटी ने बताया वही है भले ही लिखा ना हो लेकिन उन्होंने बताया वही है इस बारे में ठीक है क्या लिखा रेडरबर्ग रेप्लिक एक्सपेरिमेंट कैसे लिखा उन्होंने कहा माइक्रोबायल पर प्रयोग किए गए मालूम चला कि पहले से प्रेजेंट जो म्यूटेशन होते हैं उनका कई बार एडवांटेज मिल जाता है और वो नए फीनोटाइप के रूप में सिलेक्ट कई बार कर लिए जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस प्राकृतिक एक प्रक्रिया है इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल जिसमें कि वंशागत होने वाले विभिन्नताएं जो होती है वो कई बार बेटर सर्वाइवल में एक रोल प्ले करती है और ऐसे जीव रिप्रोड्यूस कर पाते हैं अपने अधिक संतानों को उत्पन्न कर पाते हैं और एक नई पॉपुलेशन को वो तैयार कर पाते हैं ये नेचुरल सिलेक्शन बोलता है कहता है कि यदि कुछ अंतर होंगे ऐसे वे, वेरिएशन होंगे जो हेरिटेबल वेरिएशन है यूजफुल वेरिएशन है वे अगली पॉपुलेशन में जो है वो चले जाते हैं और वो वहां जाकर जीवों को सस, जो जिनके अंदर होते हैं वेरिएशन वो वो उनको उनको बेहतर बहत, प्रकार से अडोप्ट करने में हेल्प करते हैं ताकि वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सके अधिक बच्चों को उत्पन्न कर सके उसी तो फिटनेस कहा था हमने ठीक है देखो अब रेप्लिका प्लेटिंग क्या होता है इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं बेटा हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है आप बोलोगे कि सर आप डिटेल पढ़ा रहे हो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बेटा ऐसा नहीं है जो स्टेटमेंट लिखा ना उसके लिए हम जा रहे हैं थोड़ा टाइटन क्रेश कोर्स है एक्सटेंडेड क्रेश कोर्स है थोड़ा तो पढ़, पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा है ना तो अभी क्या बात कर रहे हैं बेटा आप के। देखो क्या किया हमने हमने बैक्टीरिया को जब भी कभी बेटा हम कल्चर करते हैं तो हम एक कल्चर प्लेट लेते हैं कल्चर प्लेट में हम न्यूट्रिएंट मीडियम को डालते हैं पोषक पदार्थों को डालते हैं उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है ठीक है और एक ओरिजिनल कल्चर प्लेट जिसमें लिया हमने एक बैक्टीरियल कॉलोनी को तैयार किया उसको हमने मास्टर प्लेट बोला तो मास्टर प्लेट मतलब एक कल्चर प्लेट है जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनी तैयार है देखो तीनों बैक्टीरियल कॉलोनी दिखाई पड़ रही फिर क्या किया हमने एक स्टाम्प के समान जिससे होता है ना स्टाम्प ठीक है जिससे मेरा स्टाम्प है तो एक स्टाम्प के समान हमने क्या किया एक हमने जो है वो वुडन पीस लिया सामने हमने कपड़ा लगा दिया उसमें कपड़ा लगा के हमने इस कपड़े से स्टम्पिंग किया उसको ओरिजिनल प्लेट पर टच किया तो टच किया हमने और हटा लिया टच करने में क्या हुआ कुछ बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट था वो इसमें यहां आगे देखो आप आगे देखो आप प्लेट को ध्यान से देखो ठीक यानी जो स्टाम्पिंग प्लेट है उसको हमने ध्यान से देखा हमने क्या कहा हमने क्या किया बेल्वेट बेलवेट के कपड़ा लिया और उस कॉलोनी की मिरर इमेज इस कपड़े पर आ गई

स्पेनिस इस इसको स्टाम किया है ना देखो यहां आया ना ये आपको छेद नहीं दिख रहा है देखो मैं थोड़ा सा इंक और लगाता हूं इसमें ताकि स्टाम्पिंग बराबर स्टाम्पिंग इसमें हो सके ठीक है मैंने लगाया 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 इसको और उसके बाद मैंने इसको जो है उसको हाथ को इस पे किया तो ये स्टाम्पिंग देखो दिख ठीक है ठीके? ये ग्रीन है ना ये हो गया स्टाम्पिंग ना ठीक है अभी चुके ये क्या है देखो है ना इसी का कॉपी रेप्लिका यहां पे आ गया आ गया ना ये ठीक है आया ना ये मास्टर प्लेट था और ये क्या था ये इसका रेप्लिका प्लेट है क्लियर आ गया ठीक है रेप्लिका प्लेट हमने इससे मास्टर प्लेट से हमने कई सारी रेप्लिका प्लेट को तैयार किया हमने उसके बाद क्या किया हमने हमने रेप्लिका प्लेट में से एक रेप्लिका प्लेट में क्या किया हमने एंटीबायोटिक डाल दिया हमने 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 क्या डाल दिया एम्पीलिन एंटीबायोटिक को डाल दिया एक रेप्लिका प्लेट में हमने एंटीबायोटिक को डाल दिया अब क्या देखा हमने कि उस एंटीबायोटिक को डालने पर जिस प्लेट में नहीं डाला सारे बैक्टीरिया ग्रो किए जिसमें डाल दिया उसमें 90% से ऊपर बैक्टीरिया मर गए लेकिन 10-20 बैक्टीरिया ऐसे थे जो बच गए 10% सपोज बैक्टीरिया बच गए या 5% बैक्टीरिया बच गए और जो बचे हुए बैक्टीरिया उन्होंने पूरी नई कॉलोनी तैयार की और वो अलग थे उन अब आप प्रश्न ये उठा क्या एम्पिसिन डालने के बाद म्यूटेशन हुआ ऐसा नहीं हुआ वो जो बैक्टीरियल कॉलोनी थी ओरिजिनल उसमें कुछ बैक्टीरिया ऑलरेडी ऐसे थे ध्यान से बात सुना जो ओरिजिनल बैक्टीरिया कॉलोनी थी उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे ऑलरेडी प्रेजेंट थे जिनके पास वो म्यूटेशन के एम्पिसिन एंटीबायोटिक से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा वो ऑलरेडी प्रेजेंट था लेकिन शुरुआत में उन्हें को कोई एडवांटेज नहीं मिला क्योंकि मीडियम में था ही नहीं सब एक बराबर था कोई एडवांटेज नहीं मिला लेकिन एडवांटेज कब मिला जैसे ही मुश्किल वक्त आ गया तो एडवांटेज मिला आपको मजे की बात बताता हूं मैं जब में न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट में था मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट में था अब देखो हम बहुत अमीर आदमी तो है नहीं हम जब जो है मतलब हम डॉक्टर हैं मिडिल क्लास आदमी हैं तो हम जब जो है वो ट्रेवल किए न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए मतलब मिडिल क्लास का मतलब ये वाले कि हाँ ठीक ठाक मिडिल क्लास है ना तो आप बोलोगे डॉक्टर के पास कुछ नहीं होता क्या नहीं सब है ना हमारे पास घर गाड़ी जो सब बेसिक फैसिलिटी जो डॉक्टर को होती है वो सब हमारे पास है पर हम टाटा बिरला अंबानी जैसे थोड़ी ना है भाई कि जो है फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे आगे वाला एग्जीक्यूटिव क्लास ना ये फर्स्ट क्लास ये सब पूरा आपका झाकी पूरी बड़ी वाली वो अपने पास नहीं है ठीक है आम आदमी यदि होगा भी तो हम उसका उसका इस्तेमाल उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो और लोगों के वेलफेयर में करेंगे बजाय अपने कि मैं बहुत बड़ी लग्जरी अपने लिए अवेल करूँ मैं चाहूँगा कि मेरे जो देश के जो बाकी लोग हैं जिनको बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट है उनके लिए मैं कुछ करूँ ठीक है मैं अभी हाल ही में सुनने में आया कि भाई जो है हमारे जो है गवर्नमेंट जो है वो नया पी हाउस बड़ा भारी बना रहे हैं जो ग्यारह दस बारह हजार करोड़ का कितने का बन रहा है वो तो मैं वही बोलूंगा कि मैं यदि उनकी जगह पे मैं होता तो मैं बोलता भैया इस पैसे को एक काम करो पहले पता लगाओ कितने जिले हैं कितने तहसील हैं कितने ब्लॉक हैं कितने अस्पताल ऐसे जिनकी हालत बड़ी खराब है तो पी प्राइम मिनिस्टर तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ रह रहे लेंगे रह लेंगे उसी घर को रिनोवेट कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है देश के सेवक हैं देश की सेवा करने के लिए कहीं भी रह लेंगे भाई लेकिन जो छोटे छोटे अस्पताल है ना वो दस हजार करोड़ रुपया रुपया उन अस्पतालों में लगा के वहां की फैसिलिटी एकदम इंप्रूव कर दी जाए कि जिले से आदमी को कहीं बाहर आना ही ना पड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सके मुझसे कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा नहीं पहले भैया इंश्योर करते हैं कि कोई देश में कोई खाली पेट भूखा भूखे पेट पानी पी के ना सोए पेट पे कपड़ा बांध के ना सोए इंश्योर करते हैं कोई आदमी इलाज ना मिलने से ना मरे इंश्योर करते हैं कि हर व्यक्ति हर नौजवान को पढ़ने लिखने के बाद रोजगार मिले इंश्योर करते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम दुनिया के ग्लोबल हब बन सके दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सके ऐसा इंश्योर करते हैं हम कि हमारे देश का हर नौजवान जो है वो शिक्षित हो डिग्री तो मिले उसको लेकिन साथ में उसको नौकरी भी मिले हम ऐसा इंश्योर करते हैं तो मैं वो चाहूंगा मैं बहुत आम आदमी हूं लेकिन मुझे यदि कोई उठा के बोल देगा कि तुम आज से तुम प्राइम मिनिस्टर तो मैं वो एक जमाने में एक एक मुगल बादशाह था पुता तो मैं आ, वो आप उससे सहमत नहीं होंगे वो वो बड़े मतलब रिलीजन को लेके बड़े कट्टर थे लेकिन कहते हैं कि साहब औरंगजेब जो है वो उनके समय जितना बड़ा भारत का साम्राज्य था उतना बड़ा कभी रहा ही नहीं इंडिया औरंगजेब जो है वो जमीन पर जो है वो अपना आ, वो बिठा जो मैट बिछा कर सोया करते थे हालांकि वो बड़े क्रूर थे तमाम चीजें उनके बारे में नेगेटिव भी है लेकिन कुछ चीजें ऐसी कि वो वो राज्य के लिए करते हैं। वो कहते हैं राज्य का पैसा ख़राब नहीं, नहीं करना एक बार अच्छी से बात है कि जो है वो एक आ... वीरबल से मिलने के लिए वीरबल से मिलने के लिए जो है वो कोई अः नहीं बुरबल चाणक्य की बात करो के चाणक से मिलने के लिए कोई व्यक्ति पहुंचा वहां पर आ, जो श, वो शाम का वक्त था तो चाणक्य जो है अपना राज कुछ घर में कुछ काम कर रहे थे अचानक से जो है कोई व्यक्ति मिलने पहुंचा उनसे तो उन्होंने कहा भाई चा, हमें चाणक्य से कुछ काम है मिलना है उनसे हमको पंडित जी से मिलना है तो उनके द्वारपाल ने कहा कि पांच मिनट रुकी मैं सूचना दिखाया था तो उन्होंने कहा बुला लोधम बुलाया बिठाया अब चाणक्य ने जो है क्या किया जो जो वहां पे दीपक जल रहा था उस दीपक को उन्होंने बंद किया अंधेरा हो गया और दूसरा बाजू में रखा दूसरा दीपक उन्होंने ऑन कर दिया चालू कर दिया था, जला दिया उसको mm. तो वो जो आदमी आया था उसने कहा साहब ये क्यों किया आपने ये पहले वाला दीपक जल रहा था अच्छा कहा जल रहा था इसको बंद करके आपने दूसरा बाजू में रखा दीपक जलाया इसके पीछे क्या राज है तो चाणक्य ने उत्तर दिया उन्होंने कहा कि देखो दोस्त ऐसा है जब तुम आए उस समय में राज्य का काम कर रहा था मैं मेरे को जो है सम्राट को मगध सम्राट को मुझे जो है कुछ बतलाना था तो उस उन्होंने मुझे कुछ काम दिया था तो मैं राज्य का काम कर रहा था तो वो जो दीपक जल रहा था वो राज्य का दीपक था वो मेरे पैसे का दीपक नहीं था जनता के करों का दीपक था तो वो दीपक वो जल रहा था और जब मेरे मैं राज्य का, का काम कर रहा था तो मैं उस दीपक का यूज कर रहा था जैसे तुम मुझसे मिलने आए तुमने कहा व्यक्तिगत मुलाकात करनी है तो मैंने उस दीपक को बंद किया और मेरी कमाई का जो मुझे मुझे तनखा मिलती है जो सैलरी मुझे राज्य से मिलती है जो मुझे योगदान राज्य देता है मेरे मेरे को जीवन यापन के लिए उससे जो मैंने तेल खरीदा उसका दीपक मैंने बाजू में रखा हुआ उसको मैंने जला ली इस लेवल की शिद्दत और ईमानदारी जो है देखी जाती थी एक समय प्राचीन भारत में इचानक की की कहीं की, 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 किसी भी स्टोरी में आप पढ़ लीजिएगा मिलेगा आपको तो कहने का मतलब यह है कि हाँ कहां कहान पहुंच गई भाई चाणक्य तक पहुंच गए दिल्ली से न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट में थे फ्लाइट में जब हम अंदर एंटर कर रहे थे देखा वो बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगती इमिग्रेशन की वहां से अंदर आए बैठ बैठ के भाई अमेरिका से आपको बाहर में धक्के जाओ भी अब दिल्ली जाओ अपने हट आगे अपना लंबी लाइन में फ्लाइट के में कोई एडवांटेज इकोनॉमी क्लास सीट थी अपना बैठे हुए थे नॉर्मल है ना जो एयर कोई मतलब कोई मोल भाव कुछ नहीं था वहाँ पे फ्लाइट में तीन सौ साढ़े तीन सौ लोग जो बैठे होते हैं वो बैठे हुए थे उसके अंदर सब अपन भी बैठे उसी में से एक अपन बैठे है ना वो एयर होस्टल निकले उसने पूछा कि कुछ लेंगे सर पानी वानी तो पानी लेंगे ठीक है तो पानी वानी लिया तो जो होता है अपना फिर कुछ वो तो लंबी फ्लाइट तो सत्रह घंटे की फ्लाइट होती है कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं सब एक बराबर तुम डॉक्टर हो चाहे कुछ कुछ किसी को मालूम भी नहीं था कि डॉक्टर हूं मैं फ्लाइट में सात आठ घंटे के बाद फ्लाइट में, में क्या कोई डॉक्टर है और में जो पहले क्या, उस समय में सो रहा था उसके अंदर तो मैं सुन भी नहीं पाया कि अनाउंसमेंट उसका हुआ इतने में वो होस्टेस मेरे पास में आई उसने आके जो है मुझे जो है, उसने उठाया एक्सक्यूज मी प्लीजे क्या तो कुछ नहीं खाना उसने कहा नहीं उसने कहा कि यू डॉक्टर गीतेन कहा यस सर वी नीड यू तो मेरे पूछा क्या हुआ ने बताया कि दर इज़ ए पेशेंट एक पेशेंट है वो कॉलेब्स की गिर पड़ी वहाँ पर वहाँ प्रेजेंट है और वहाँ पे जो फ्लाइट का जो आगे वाला हिस्सा वहाँ पर है वो और आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए तो हमने कहा तुम्हारे तो पास क्या क्या इक्विपमेंट है जो तो उनके पास बेसिक इक्विपमेंट हैं भाई बी पी मोनीटर ने थर्मामीटर ना बेसिक इंजेक्शन कुछ बेसिक दवाएँ रखते हैं वो लोग तो मैंने अपना मेडिसिन का बैग जिस मेडिसिन के बैग को अंदर डालने के लिए वो एयरपोर्ट पर बोल रहे थे कि नहीं इसको चेक इन में डालिए ये कि मैंने कहा भाई ऐसा है कि ये इमरजेंसी मेडिसिन है मैं डॉक्टर तो रखा रहने तो उसको कोई दिक्कत नहीं फिर एक किसी ने कहा कि नहीं रख डॉक्टर है जाने दो भाई कोई दिक्कत नहीं कोई दवाएं सब पैक है सब दवाएं जो है वो प्रिस्क्रिप प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवाएं हैं तो उन्होंने आने दिया मैंने इमरजेंसी मेडिसिन का अपना बैग लिया मैं गया वहाँ जाके देखा मैंने पेशेंट को पूरा चेकमेक किया मैंने उसको भाई क्या दिक्कत है देखा कि भाई सडनली वो हाइपोटेंसिव हो गई थी ठीक है तो उनको जो है उनका ग्लूकोज लेवल भी डाउन हो गया था तो उनको फिर जिस प्रकार से जो है उनको उनको मैंने स्टेबलाइज किया कुछ मेडिसिन भी दी उनको मैंने वो स्टेबलाइज करी पेशेंट उनके जो रिलेटिव थे वो सब आसपास खड़े हुए थे फाइनली जो है वो आधे घंटे पौन घंटे के बाद कंडीशन नॉर्मल हुई वो होश में भी आ गई वो है ना उसके बाद उनको ठीक फील हुआ वो फिर वो उसके बाद है ना एयर होस्टेस वगैरह सब आके ना पूरा क्रू आया चार चारे लोगों का उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर है ना तो मैंने कहा ठीक है फिर उन्होंने जब जब वहीं पे जब ऑन फ्लाइट थे ना उसी समय उन्होंने कोई फॉर्म था कि भाई डॉक्टर साहब ने हमारी हेल्प की कर, कि ये दवाएं उन्होंने दी है इस दौरान तो कि क्या दवाएं अपने पेशेंट को दी हैं वो लिखना पड़ता है उसमें लिख के साइन वाइन कर दिए मैंने हो गया उसके बाद कॉफी सबसे पहले सर आप कॉफी लेंगे सर आई हैव एस्प्रेसो एस्प्रेसो डिफरेंट कॉफी मैं आपके लिए लेके आती हूं सर सैंडविच लेंगे अरे मैंने कहा कितना खाएंगे हो गया भाई ठीक है ना फ्लाइट है भाई तो फिर वो आ, कहने का मतलब ये है कि जो है वो पूरा सफर गुजर गया जब हाँ जब आ, दिल्ली में प्लेन लैंड किया जब उतरे बाहर तो बकायदा बेहतरीन मतलब ये अमीरात की फ्लाइट था होगी मतलब तो क्या लगता है अमीरात की नहीं एयर इंडिया की नॉट नॉट अमीरात एयर इंडिया की फ्लाइट थी बाहर निकले तो एयर इंडिया की पूरी चार से दस लोगों की टीम थी पूरी उन्होंने है ना जैसे बाहर निकले तो उन्होंने क्लैप किया उन्होंने कि सर इन्होंने उनके पैर बताया उन्होंने कि भाई इन्होंने जो है तो क्योंकि वो उनको लगा कि कायदा करेस्ट तो कुछ नहीं होगा तो मेरे मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रही उन्होंने वहां पे जो जो भी इंडिया के जो भी ऑफिसर जो भी ऑफिसर वहां पे होगा वो जो भी उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच सर आपने किया ये आपका अकाउंट में आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा ये जो भी कुछ था वो अमाउंट ठीक है ऐसे करके तो मैंने कहा नहीं नहीं इसलिए नहीं इसके लिए नहीं यार तो उन्होंने कहा नहीं सर वो प्रोसेसर का हिस्सा टाइप से जो भी है सडनली कंडीशन बदली उस पूरे क्राउड में उस पूरे तीन सौ लोगों के क्राउड में उन्होंने मुझे थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर दिया Okay, मैं वहां पर म्यूटेशन था एजुकेशनल म्यूटेशन था मेरा कि मैं मेडिकल के बारे में ही नहीं था उसमें। तो एडवांटेज कब मिला जब कंडीशन बिगड़ गई तब एडवांटेज मिला नहीं तो वो तो ऐसे ही पूछ रहे थे कियर तो तो एक बार आएगी एयर इंडिया डिफरेंट है एयर इंडिया में जो है वो बिल्कुल मदरली केयर होता है एकदम से एकदम आपको आपको ज्यादा जो है वो नहीं बाकी फ्लाइट वाले जो होते हैं क्योंकि यहां पे सीनियर क्रू होता है सीनियर क्रू होता है बाकायदा जो है आपका अथॉरिटी होती है बहुत दिन से काम कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा नहीं कि आप उनको बार बार परेशान कर रहे हैं बाकी फ्लाइट तो सर्विस सेक्टर से काम करते हो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एयर इंडिया सच्चाई है वो बता रहा हूं तो बाकायदा तो उस जब लगा बाद में तो मैंने क्या कहा आपसे मैंने देखा कि जब कंडीशन बदली तो वो एडवांटेज मिले अब यही कहानी यहां पर लागू होती है कि हुआ ये कि जब सब कुछ ठीक था पूरी वेक्टर कॉलोनी एक समान थी बन रही थी ग्रो कर रही थी भी ग्रो चल रहा था उसमें। लेकिन जैसे एम्पीलिन वाला मीडियम सामने आया तो कुछ थे क्या था क्या ये एम्पीलिन के कारण एडवांटेज आया था नहीं वेरिएशन पहले से ही प्रेजेंट थे जब कंडीशन बिगड़ी तो ये वेरिएशन काम आ गए काम आ गए सिलेक्टिव एडवांटेज मिला वहां पे ठीक है

लॉट चीजें बदल गई हैं बहुत सारी बदल गई हैं है तो ए क्रिटिकल एनालिसिस एनालिसिसक्स बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन के कहने का मतलब यह है कि विभिन्नताएं जो, जो होती हैं चाहे वो आपके म्यूटेशन से आए रिकॉम्बिनेशन से आए वो जीन फ्लो से आए ड्रिफ्ट से आए वे जीन फ्रिक्वेंसी को बदल देती हैं और कई बार ने पॉपुलेशन जो है वो अलग हो चुकी होती है और ये सारे फैक्टर हार्डी विनवे क्रिकुल को चेंज कर देते हैं यदि जीन फ्रीक्वेंसी बदल रही है इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है और इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ जो देखें बेटा 2021 में एक ग्राफ इसमें आएगा बेटा डाल दीजिए दिमाग के अंदर के देखिए क्या बोल रहे आपसे वो प्राकृतिक चयन से क्या क्या हो सकता है नंबर एक हो सकता है इसमें स्टेबलाइजेशन जिसमें कि इन मोर एक्वायर मीन रेक्टर वैल्यू देखो ये क्या देख रहे हैं एक पर्टिकुलर करेक्टर के बारे में ये एक्सट्रीम कैरेक्टर है ये एक्सट्रीम कैरेक्टर है दोनों कैरेक्टर एक्सट्रीम है अपोजिट एंड पे ठीक है, है ना? लेकिन यदि बीचो बीच वाला मीन कैरेक्टर लगातार बढ़ रहा है तो इसे बोलते हैं स्टेबलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं स्टेबल नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं तो ये क्या शो करता है यहां पर पीक गट्स हायर एंड नरोड ये क्या है ये स्टेबल टाइप के जो है वो नेचुरल uh, सिलेक्शन को शो करता है ये क्या बता रहा है ये बता रहा है कि ना दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप नहीं रहेंगे वहां पर जो मीन मीन वैल्यू है वो अधिक रहेगी मीन वैल्यू अधिक रहेगी ठीक है जबकि दूसरा सेकेंड ग्राफ में क्या देख रहे हैं ग्राफ में हमको डायरेक्शनल चेंज देखने मिल रहा है हमें मतलब हम देख रहे हैं कि धीमे, धीमे एक एक्सट्रीम की ओर एक एक्सट्रीम की ओर करेक्टर बढ़ रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन जीनवेंसी में एक परिवर्तन हो रहा है और एक एक जो एक्सट्रीम एंड है वहां से करेक्टर दूसरे एक्सट्रीम एंड की ओर शिफ्ट कर रहा है यह एक डायरेक्शन में काम कर रहा है इसे डायरेक्शनल नेचुरल सेक्शन बोलेंगे जबकि तीसरा होता है डिसरप्शन इसमें क्या होता है इसमें होता, होता यह है कि

वो स्टेबल अब देखो छोटी सी बात अब बोलो सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा ऐसे मीन जो है वो स्टेबलाइजेशन डायरेक्शनल समझ में नहीं आ रहा मैंने आपसे कहा कि एक सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि एक पहाड़ था उस पहाड़ के ऊपर जो है वो कई सारे पक्षी वहां पे जब कुछ पेड़ लगे हुए थे फॉरेस्ट था कई सारे पक्षी वहां पर रहा करते थे वहां पे ये देखा गया कि ऐसे पक्षी जिनके पंख बहुत छोटे ध्यान समझेंगे ऐसे पक्षी जिनके पंख बहुत छोटे जिनके विंग्स बहुत छोटे हैं वे बहुत कम संख्या में यहां पे पहाड़ के ऊपर फॉरेस्ट बना हुआ है वहां पे तो उतना उनको वहां पे उड़ने में तो समस्या होता हुआ कुछ मान लिया हमने और ऐसे पक्षी जिनके पंख बहुत बड़े हैं वो भी कम है वहां पर मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर हमको ऐसे पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं जिनके पंख का साइज एवरेज है वो अधिक संख्या में और जिनके बहुत छोटे पंख हैं कम हैं जिनके बहुत बड़े पंख हैं वो भी कम हैं मतलब कैरेक्टर कौन सा वहां के लिए नेचुरली सिलेक्टेड है वो जिनके पंख का साइज मीडियम है मीन एवरेज है ये क्या हो गया स्टेबल नेचुरल सिलेक्शन हो गया दूसरी जगह हम एक रेगिस्तानी एरिया में गए वहां क्या देख रहे हैं हमने कहा वहां जो पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं कुछ गिनती गिने चुने पक्षी हैं लेकिन वो पक्षी कैसे दिखाई पड़ रहे हैं रेगिस्तान मतलब पूरा रेगिस्तान नहीं है मतलब डेजर्ट के समान फॉरेस्ट है मतलब आप मान लीजिए कि ऐसा फॉरेस्ट यहाँ पे कुछ ट्रीज है और फिर फिर खाली खालिस्था पड़ा है बंजर टाइप की जगह पे गए आप, आपने क्या देखा वहां जो पक्षी है या तो उनके पंख बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं पंख बहुत छोटे या बहुत बड़े हैं लेकिन एवरेज विंग साइज वाला कोई भी नहीं है तो आपने क्या बोला या या तो छोटे वाला मिलेगा, या बड़े वाला मिलेगा बीच वाला कम देखने मिल रहा है। हो गया। लेकिन आपने क्या देखा आप एक फॉरेस्ट गए आपने देखा कि इस फॉरेस्ट में जितने भी पक्षी हैं उनके पंख का साइज जो है वो एवरेज है छोटा तो बहुत कम है ही नहीं छोटे वाले बहुत कम है एवरेज है और धीमे धीमे क्या हो रहा है जैसे जैसे साल गुजरते चले जा रहे हैं वहां पे आप देख रहे हो कि पंखों का साइज बढ़ता चला जा रहा है मतलब धीमे धीमे पक्षियों के पंख का साइज बढ़ रहा है और वो करैक्टर एक दिशा में शिफ्ट कर रहा है वो स्मॉलर से लार्जर विंग की ओर ये क्या है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो गया ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो गया ठीक है ना तो ये तीनों ग्राफ बेटा आपको दिमाग में अच्छे से रखना है आपको कि जिसमें मीन वैल्यू पीक पर जा रही है लगातार ऊपर जा रही है वो हो गया क्या हो गया बेटा वो हो गया अपना स्टेबिलाईजेशन नेचुरल सिलेक्शन हो गया जिसमें मीन वैल्यू एक तरफ शिफ्ट करते नहीं एक डायरेक्शन में कैरेक्टर शिफ्ट कर रहा है वो क्या होगा डायरेक्शनल सेक्शन हो गया वो और जिसमें दोनों एक्सट्रीम अधिक संख्या में है पेरिफेरल कैरेक्टर और मीन वैल्यू कम संख्या में एवरेज कैरेक्टर कम संख्या में वो सेक्शन हो गया ठीक है याद रखिएगा अब बात करते हैं हम की जो जो इवोल्यूशन है उसके ब्रीफ अकाउंट की बात करते हैं कहने का मतलब है कब कब, कब क्या क्या घटा टाइम स्केल की बात करते हुए सिकली हम ठीक है अब यहां पे बेटा कुछ आंकड़े हैं कुछ डेटा है वो आपको अच्छे से याद रखना उसको बेटा भूलना नहीं बिल्कुल भी, भी है ना ठीक है बोर तो नहीं हो रहे ना पक्का चलो लगभग 2000 मिलियन मिलियन अगो के 2000 मिलियन अगो मतलब 2 बिलियन अगो की बात कर रहे हैं हम ठीक फर्स है फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एपेट नोट कर लीजिए इसको बेटा की नोट्स में भी दे रखा है अच्छे से ठीक है ना 2000 मिलियन वर्ष पहले फर्स्ट सोलोर फॉर्म बना बेटा हाउ नॉन कहने का मतलब बनी और जो है वो अभी तक मैं नहीं मालूम कैसे बना लेकिन उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि फर्स्ट सोलर फॉर्म बन गया ठीक है और फिर उसके बाद इनके अंदर जो है वो मतलब मैंने याद रखेगा बेटा प्रकृति में पहले इवोल्यूशन में पहले बने हेट्रोट्रॉप पहले बने हैं मो हाइट्रोट्रॉप कीमो हाइट्रोट्रॉफ जो केमिकल खाने वाले कीमो हाइड्रोट्रॉप है वो पहले बने, उसके बाद हैं के. क्या किया सनलाइट का इस्तेमाल करना शुरू किया और उससे फूड बनाना उन्होंने शुरू किया ठीक है बेटा है ना तो हेट्रोट्रॉफ्ट का विकास बेटा पहले हुआ था फिर इसके बाद बाय टाइम ऑफ फाइव मिलियन ईयर पांच सौ मिलियन वर्ष पहले इनवर्टिब्रेट्स बने सन याद रखना है नोट करते जाओ के 500 मिलियन वर्ष पहले जो है बने बेटा ठीक है है ना जॉलेस जॉलेस फिश जबड़ा भीन फिश मछलियां जो है वो 350 मिलियन वर्ष पहले जो है वो इवॉल्व किए जॉलेस फिश जो है वो थ्री फिफ्टी जो है वो बनी साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहे हैं बेटा हम है ना एग्नेथा एग्नेथा जिसमें जॉ नहीं, नहीं होता है ठीक है सी बीड समुद्री खरपतवार एंड फ्यू प्लांट्स के के कहा जाता है है कि समुद्री खरपतवार, जो जो बड़े साइज की होती है, सी और कुछ प्लांट है, वो तीन बीस पहले एगो बने ठीक ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म जमीन पर आए थे वो एम्फीबिया नहीं थे एनिमल एम्फीबिया थे गलती मत करना पहले प्लांट आए जमीन पर उन्होंने वैसी कंडीशंस को बनाया जिसमें एनिमल सरवाइव कर सके फिर एनिमल निकलकर जमीन पर आया याद रखना पहले प्लांट जमीन पर आए थे उसके बाद एनिमल में निकल कर जमीन पर आया ठीक है जानवरों के एनिमल्स के जमीन पर आने के पहले प्लांट धरती पर फैल चुके थे ठीक है देखिए ऐसी मछलियां जिनमें जो है वो लंबा मुंह होता था इनका स्ट्रॉन्ग फिन थे इनका और जो जमीन पर चल सकने में सक्षम थी कि ये जमीन पर आती थी थोड़ा समय चलकर फिर जो है वहां से वापस वाटर में लौट जाया करती थी ये 350 मिलियन ईयर वो देखी गई है और इनके कुछ एविडेंसेस भी अभी जो है हमको मिले हैं कोलाक्स एंथ हमको जो है फिश मिली है जो इसी तरह की मछली होती है कहा जाता है कि इस तरह की जो फिश थी इन्हीं से जो है आगे चलकर एम्फीविया का विकास हुआ था देख रहे हैं आप एनिमेशन में ठीक है इन नाइनटीन फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी कोला मानते थे पहले कि हो चुकी, पर वो महा मिली के. इसे फिन भी कहते हैं बेटा तो फिन फिश भी कहते हैं इसको ये दीज़ एनिमल्स ये फर्स्ट एम्फीवियन के रूप में डेवलप हुई है जमीन पर और जो है वो वाटर में दोनों में रह सकते थे मॉडर्न डे के फ्रॉग जो हैं वो आगे चल के जो है वो क्या हुआ रेप्टाइल्स में इवॉल्व किए लेकिन इन एम्फीवियन को बनाने वाले क्या थे उन्होंने एम्फीवियन को प्रोड्यूस किया इस तरह की मछलीबियन से रेप्टाइल्स बने याद रखिए एम्फीवियन और रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स अधिक सक्सेसफुल रहे क्योंकि तो उनके अंडे उनमें उनमें एग है, और एग और मतलब में एग शेल प्रेजेंट था एम्फीबियन के अंडे में जेली होती है जो सूख जाती है तो अंडा खराब जाता है और जबकि रेप्टाइल्स के अंडे जो होते हैं वो जमीन के लिए बहुत अधिक प्रकार से बेहतर प्रकार से अनुकूलित थे बेहतर प्रकार से अडॉप्टेड थे क्योंकि उसमें ऐसा एक्वाटिक एनवायरमेंट अंडे के अंदर प्रेजेंट था और बाहर की सनलाइट से अंडे वो सूखा नहीं करते थे वो శల్ మోర ప్రోటెక్ ఇస్ ప్రజెంట్ రెప్టాయి మోర సక్సెస్ఫుల్ ఎస్ కంపేర్ టూ ది ఎంపీన్ అగేన टर्टल रेपटाइज uh, है उसमें हम देखते हैं कि उनके मॉडर्न डेड डिस और इन नेक्स्ट टू हंड्रेड मिलियन ईयर्स ऑल्सो रेप्टाइस ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डॉमे कहा जाता है कि एक जमाना ऐसा समय ऐसा था कि जब रेप्टाइस धरती पर राज करते थे और उसमें हमने कहा ना जोरासिक एज की बात करें हम तब डायनासोर्स का धरती पर राज हुआ करता था के? फर्न बड़े साइज के फर्न टेनिडोफाइटा उस समय प्रेजेंट थे और बाद में फाइनली हुआ ये कि फर्न का डिक्लाइन हुआ बड़ी तेजी से एक समय धरती पर फर्न प्लांट ने राज किया लेकिन बाद में क्या हुआ बड़े साइज के फर्न थे वो डिस्ट्रॉय हो गए जमीन में दब गए और दबने के बाद उन्होंने वो कोयले के डिपोजिट में कन्वर्ट हो गए आज हम जो भी कोयला जमीन से निकाल कर जलाते हैं जो भी कोयला हमको मिलता है वो बेसिकली क्या बेटा वो कोयला जो है वो वही टेरिडोफाइटा है वो जॉइंट टेरिडोफाइटा जो पहले सदियों पहले दब गए थे जो ठीक है सम ऑफ लैंड रेप्टाइल जो होते हैं वो पानी में गए पानी में जाके उन्होंने जो है वो फिश के अंदर के, के समान रेप्टाइल्स को बनाया जिसे हम इक्सोर कहते हैं ऐसे रेप्टाइल्स थे जो फिश के समान थे ठीक है और जो जमीन पर थे वो डायनासोर ने जमीन पर उन्होंने राज किया कहते हैं कि सबसे खतरनाक एनिमल उस जमाने में जुरासिक एज में सबसे खतरनाक जो एनिमल था वो टी रैक्स था टाइरोसोरस रैक्स था जो सबसे खतरना अब तक के धरती के इतिहास में अर्थ के अब तक के अर्थ के ऐसा कहते हैं अर्थ के अब तक तो के इतिहास में सबसे खतरनाक कोई रेप्टाइल्स रहा है तो वो रहा है टीरोक्स वो क्या रहा है वो है रॉक्स वो है रॉक्स ठीक है ट्रेनोसोरस रैक्स इट इज द मोस्ट डेंजरस रेप्टाइल्स के जो रहा है बीस फीट हाइट का था बड़े खतरनाक दांत थे वर्ष पहले सडनली से क्यों हुए कैसे हुए क्या क्लाइमेट चेंज से मर गए टॉक्सिक था तो पहले हरबी हर डायनासोर मरे होंगे बाद में क्या कारण रहा होगा क्या कोई धूमकेतु आया था बाहर से कोई जो है वो कॉमेट के चलते मर गए किस कारण से डायनासोर गायब हुए आज भी कहानियां हैं सच्चाई हमें मालूम

पहला फर्स्ट मैमल जो था वो एक छोटे से चूहे के समान था शूज कहते हैं इसको और इनके फॉसिल जो है छोटे साइज के मिलते हैं मैमल्स जो थे वो बीवीप थे अपने बच्चों को मैमल्स में आप जो है वो को छोड़ दे तो आ, आप, आपको मैमल्स क्या मिलेंगे वीवीप्लस मैमल मिलेंगे आपको और ये अपने बच्चों को जन्म देते थे वो और इसका मतलब ये कि इनके, ये बच्चा जो है वो जब अनबॉर्न बो, बच्चा अंडे में नहीं बल्कि वो मदर की बॉडी के अंदर ही अपने डेवलप करता था वो और मैमल्स जो है वो बाकी एनिमल्स की तुलना में अधिक इंटेलिजेंट थे वो अपने इन्वायरमेंट को बेहतर प्रकार से सेंस कर पाए खतरे को भांप पाए पहचान पाए वो अपने आप को छिपा पाए अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर पाए वो और धीमे धीमे रैप्टाइज की दुनिया पर मैमल्स का कब्जा हो गया एक जमाने में रैप्टाइज ने सब तरफ आतंक मचा रखा था फिर मैमल्स आए ज्यादा समझदार थे उस सेट के और फाइनली जो है वो फिर मैमल्स का राज होन, होने लगा ठीक है फिर हम कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ महादीपी विस्थापन हुआ जब जब जो है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया और उस समय कई सारे एनिमल ऐसे थे जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के एनिमल वो आपस में जो है वो संपर्क में आ गए लेकिन उसी समय ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट टूटकर जो है अलग हट गया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो मेन लैंड थी मुख्य जमीन जो थी उससे कॉन्टिनेंट छूट गया उसका इसलिए आज भी आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आपको प्रोटोथिरियन मैमल्स और आपको जो है मेटाथिरियन मैमल्स कंगारू देखने मिलेगा आपको आपको कई सारे प्लेटिप कई सारे ऐसे मैमल्स जो आपको बाकी जगह देखने नहीं मिलेंगे वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलेंगे ठीक है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट और वहां पर इवोल्यूशन अरेस्ट हो गया कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जैव विकास रुक गया बाकी जगह कॉम्पिटिशन चलता रहा जैव विकास चलता रहा ठीक है कहते हैं ना कि मनुष्य का उदय ह्यूमंस यानी हम बात करें मनुष्य की बात करें तो ह्यूमंस का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ वहां पे जैव विकास रुक चुका था अफ्रीका में लेकिन चल रहा था तो ह्यूमन जो है वो इवॉल्व किया अफ्रीका और एशिया के हिस्सों में वो इवॉल्व किए ठीक है फिर कुछ मेमल ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरीके से रहते हैं डॉल्फिन हुआ सील्स हुए सीकाउ हुए और इसके बाद हम जानते हैं कि हॉर्स का एलिफेंट का डॉग का इवोल्यूशन अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है, है कि वो किस प्रकार से अपने आप को इवॉल्व किए और सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी पूरी कहानी में है वो है इस कहानी का हीरो आप उसे विलेन भी बोल सकते हैं पर मैं तो उसको हीरो ही बोलूंगा क्योंकि आज हम पढ़ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं प्रकृति के बारे में बात कर पा रहे हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस से है हम जानते हैं कि हमें क्या करना है हमारे पास लैंग्वेज स्किल है मैं जो कहना चाहता हूं मैं आपको कन्वे कर सकता हूं आप जो जो समझ रहे हैं उसको किसी और को कन्वे कर सकते हैं हमारे लैंग्वेज स्किल्स हमारी जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस हमको जो है दूसरे जीवों से अलग करती है और हमारे पास जो है मनुष्य के पास में सबसे बड़ी क्षमता है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की क्षमता कि हम ज्ञान को दूसरे को दे सकते हैं हमारे पास सबसे बड़ी क्षमता है कि हम भविष्य का सोच सकते हैं हमारे पास क्षमता यह है कि हम अपने आप को खतरे के लिए तैयार कर सकते हैं और यह क्षमता हमारे को अचानक से नहीं मिली है एक जमाना था कि आदमी जो है है वो पता आपको एक जमाना था कि आदि मानव जो है वो क्या खाया करता था hey, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए तो कैसा लगा आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बायोमेंडर्स आपका अपना परिवार है बाय बाय चलो कंटिन्यू करते हैं तो एक जमाना था कि आदि मानव उस समय जो है वो खाया करता था जो कॉर्निवर्स एनिमल शिकार करने के बाद जो छोड़ दिया करते थे मांस वो खाया करता था मतलब ये कल्पना करना कि इंसान एक दिन इतना शिकार करेगा कि कई सारे वाइल्ड लाइफ को वो खत्म कर देगा कई सारे टाइगर जो है वो गिनती के रह जाएंगे ये सोच पाना उस समय संभव नहीं था परंतु ह्यूमंस इवॉल्व किए ह्यूमंस ने अपने टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग को ब्रेन को उन्होंने और इवॉल्व किया और सब कुछ होता चला गया तो हम इतना जानते हैं कि जो है ह्यूमंस की अपनी एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है जिसके चलते उसने जो पूरी धरती पर राज किया उसने कर रहा है राज अभी भी ठीक है देखो हमारे पास जो है एक बेटा जो है एनसीआरटी का ही एक जो है वो हमारे पास जो है वो एक आ, जो है फ्लोचार्ट दे रखा है एक प्रकार जो टाइम स्केल का जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो दे रखा है वो हमें दिमाग ध्यान में बेटा रखना है ठीक है ना ठीक है मतलब इसकी ये चूंकि बहुत क्लैरिटी के साथ में ये नहीं है परंतु है कि किसके बाद कौन से जीव आए ये हमें पता होना चाहिए ठीक है हम बात करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के ह्यूमंस के अब जब एक बार मैंने कभी पढ़ाया किसी ने कहा सर मेन के बारे में बताया आपने वुमेन के बारे में नहीं बताया तो यहां पर मेन का मतलब जो है बेटा यहां पे ह्यूमन से ले रहे हैं हम ठीक है ना क्लियर ठीक तो मेन और वुमेन का इवोल्यूशन अलग-अलग नहीं होता है काय आता है तकरीबन 15 मिलियन इयर्स एगो 15 मिलियन इयर्स एगो

तकरीबन फिफ्टीन मिलियन गो पंद्रह मिलियन वर्ष पहले प्राइमेट्स जिन्हें हम बोलते हैं ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस पाए जाते थे ठीक है कितनी पुरानी बात है पंद्रह मिलियन वर्ष पहले की बात है इनके पूरे शरीर पर बाल हुआ करते थे होते थे और ये गोरेला और चिंपैनजी के समान चला करते थे रामा जो है वो अधिक जबकि समान थे याद रखना ये एमसीक्यू है बेटा ये ठीक है जो टाइम स्केल है वो भी एक एमसीक्यू है क्लियर ठीक है फिर कुछ फॉसिल ह्यूमंस के कुछ फॉसिल बोन्स कहां से मिले हमें इथोपिया और तंजानिया से मिले इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहा मिले बेटा इथोपिया और तंजानिया में मिले हमको दिस रिविल्ड होमिनिड फीचर मतलब ऐसे लक्षण जो मनुष्य के समान है उसके बारे में बताया और कहा जाता है तकरीबन तीन से चार मिलियन वर्ष पहले इंसान के समान दिखने वाला प्राइमेट जो है ईस्ट अफ्रीका में घूमता हुआ पाया गया इसकी हाइट चार फीट से अधिक नहीं थी मतलब इट इज मोर और लेस देन और मोर और लेस चार फिट के आसपास का था और जो है ये वहां इसके फॉसिल्स हमें दिखाई पड़ते हैं दो मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये कहां मिलते थे ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड यानी ईस्ट ये जगह याद रखना ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में हमको जो है है वो दो मिलियन वर्ष पहले देखने में एविडेंस बतलाते हैं कि इन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया था हथियारों के रूप में हटके और ये बेसिकली मांस नहीं खाते थे ये फल खाते थे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे ये सीड को बीजों को तोड़ने के लिए दूसरे एनिमल को दूर भगाने के लिए आपस में लड़ने के लिए के? तो ये स्टोन्स का स्टोन का इस्तेमाल करते थे, स्टोन वेपन यूज करते थे हंटिंग के लिए क्या और जो है ये आ, इसके अलावा खाते ये फल थे ये जो है कॉर्निवरस नहीं थे ये सम दी बोन्स अमंग बोन्स ऑफ बोन्स डिस्कवर्ड डिफरेंट ऐसा पाया गया कि जब ऑस्ट्रोपेथस की बोन्स को काफ़ के फॉसिल ढूंढ रहे थे तब इन्हें कुछ बोन्स और भी मिली उन्हें और ये ऐसा कहा जाता है समान दिखने वाले जो थे वो थे होमोहेवेलिस्ट होमोहेवेलिस्ट थे ठीक है जिन्हें हम होमिनिड कहते हैं मनुष्य के समान है तो इनको होमिनिड कहते हैं फिर इनका जो ब्रेन का कैपेसिटी था वो सिक्स फिफ्टी से लेकर एट हंड्रेड कैपेसिटी कितना इसका 650 से 800 के ये बताता है कि कितना बड़ा ब्रेन इनके पास में था ठीक है और ये भी मीट नहीं खाते थे होमो हैबिलिस पर पत्थर के के औजारों का इस्तेमाल ये भी कंटिन्यू किए ठीक है फिर अठारह में जावा में हमको एक फॉसिल मिला और ये फॉसिल था होमो इरेक्टस का जो 1.5 मिलियन पॉइंट फाइव मिलियन है मतलब एक दशमलव पांच मिलियन वर्ष पहले का फॉसिल है होमो इरेक्टस का फॉसिले अठारह सौ में जावा में में हमको जो है वो जावा के अंदर देखने मिला इसमें ब्रेन जो है वो साइज में बड़ा था ये नाइन हंड्रेड सीसी नाइन सीसी का इनका ब्रेन था और ये संभव मीट खाते थे के देखे फर्स्ट मीट ईटर के पहले मीट खाने वाले जो है वो और याद रखिये जब ये मीट खाते थे तो इन्होंने उस मीट को प्रोसेस करने के लिए इन्होंने तरीका भी खोज निकाला इन्होंने के इन्होंने जो है उस मीट को काटने के लिए भी पत्थर के और शार्प औजार बनाना सीख लिया था इन्होंने यहां पे के फिर उसके बाद उसके बाद हम कहते हैं कि जो है कहानी में मोड़ आता है यहाँ पे थोड़ा और इंटेलिजेंट मनुष्य सामने आता है वो है होमो नियंत्रथ कहते हैं कि आज जो धर्म की बातें करते हैं हम आज जो हम जो अंतिम संस्कार करते हैं मृत्यु के बाद में पहले के इसके जो जो नियंत्रथ के पहले जो है चाहे होमोहेवेलिस रहे हो चाहे जो है वो इरेक्टस रहे हो चाहे जो है वो आ, जो है रहे हो किसी ने भी अंतिम संस्कार इसी कोई प्रक्रिया नहीं की भाई देखो जंगल में इतने एनिमल मर जाते हैं कोई अंतिम संस्कार होता है क्या नहीं होता उनका पर मनुष्यों में अंतिम संस्कार किया गया मनुष्यों में जो है वो अंतिम संस्कार वाले स्थान पर पत्थर रखे गए फिर जो ग्रुप के लीडर थे जो मेन व्यक्ति थे जिनसे जिन पूरा ग्रुप जो है वो अफेक्टेड रहता था जो, जो जो उनकी बात मानता था इन्फ्लुएंस रहता था उनके वहां पे पत्थर रखे गए कई लोग उन पत्थरों को पूजने भी लगे धीमे धीमे करके जो धर्म की परिकल्पना है धर्म की जो शुरुआत है वो शुरू शुरू होता है नियंत्रथ से तो मतलब बोरियल या हम कहते हैं कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की थी नियंत्रथ ने ठीक है मैन ब्रेन साइज है हमारे बराबर का इसका ब्रेन ब्रेन था था 1400 सीसी का था, और ये रहते कहा थे? ये रहते थे ईस्ट जो ईस्ट और सेंट्रल एशिया के आसपास रहा करते थे और ये पुरानी बात है एक लाख से लेके चालीस हजार वर्ष पहले की बात है मतलब वन लेख से लेके चालीस हजार वर्ष पहले की बात है और ये गुफाओं में रहा करते थे हाइट्स में गुफाओं में छिप कर रहा करते थे और ये अपने मृत लोगों का अंतिम संस्कार ये किया करते थे ठीक है फिर उसके बाद जो है अफ्रीका में उदय हुआ होमोसेपियंस का सबसे तेज के सबसे तेज सबसे बदमाश के और सबसे इंटेलिजेंट के और इस ये कभी आपको इसको अच्छे से जानना हो के कभी आपको इसको होमोसेपियंस के की पूरी कहानी को बहुत अच्छे से जानना होना तो वन ऑफ फैंटास्टिक बुक सेपियंस के सेपियंस मतलब फैंटास्टिक बुक है मतलब ये बुक ऐसी है कि इसके बारे में मतलब जितना बोला जाए उतना कम है इसमें कहीं कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में मतलब ये कोर्स में नहीं है बेटा मैं, मैं सिंपल सा बोलूंगा कि ये जो बुक है ये जिंदगी में एक बार पढ़ने वाली बुक है कि आप जरूर पढ़े इसको कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में कि कैसे वो कहता है इस बुक में बड़ी अच्छी बात कहते हैं यह जो ऑथर है इसके युवाल युवा हरारी ये कहते हैं कि लोगों को लगता है कि उन्होंने गेहूं के पौधे को डोमेस्टिकेट कर लिया है इंसान को लगता है कि उसने गेहूं के पौधे को अपने आसपास कर लिया उसने दरअसल कब्जे में कर लिया है दरअसल फसल ने आपको अपने कब्जे में किया हुआ है पहले आप पूरी धरती पे घूमते थे हर जगह आप माइग्रेट करते थे अब चूंकि आपका अपना घर है आपका अपना खेत है तो आप छोड़कर नहीं जा सकते तो गुलाम कौन हुआ गेहूं का पौधा गुलाम नहीं हुआ आप गुलाम हुए बहुत बढ़िया लिखते हैं ये बहुत ही अच्छा लिखते हैं एक नया पर्सपेक्टिव सोचने मिलता है खैर अभी वापस के अपने मुद्दे पे आते हैं तो अभी कहां हुआ अफ्रीका में हुआ और ये माइग्रेटरी हैबिट का था ये कई कॉन्टिनेंट को उसने क्रॉस किया के और जहां जहां पहुंचा वहां वहां इसका उस समकालीन जो जो मनुष्य की प्र, प्रेजेंट थे मान लो कहीं थे कहीं पेरेक्ट थे सामना भी हुआ इसका साइंटिस्ट कहते हैं कि सामना भी हुआ और ये जीता भी उनसे अटके ड्यूरिंग बिटवीन से ड्य टेन एगो मॉडर्न का, का उदय हुआ और कहते हैं कि इसने प्री हिस्टोरिक केव के आज भी जो हमको जो भीम बेटका में देखने मिलते हैं कई जगह पे हमें जो है वो केव याट गुफा में जो बने हुए चित्र दिखाई पड़ते हैं शिकार के चित्र उसमें, उसमें से अधिकांश था तो वो 18,000 वर्ष पहले के कब के 18,000 इयर्स पहले करके एग्रीकल्चर की शुरुआत आज से दस वर्ष पहले हुई ठीक है और जब खेती की शुरुआत हुई तो खेत बनाया मेहनत करके मान लो मैंने मेहनत करके खेत बनाया हुआ है और मैं मान लो खेत को छोड़कर चलाया तो कोई दूसरा कब्जा कर लेगा तो मजबूरी थी कि मैं वहां पर घर बनाना पड़ेगा अब मैंने चार छह लोग इमेजिन करते हम क्या क्या रहा होगा कि हम चार आदि मानव थे हम लोगों ने जो है वो मतलब हम जो चार होमो होमोसेपरस थे उस जमाने में हम लोगों ने एक साफ करके खेत बनाया यहां पे और अब क्या हुआ कि आजू बाजू के दूसरे होमो होमोसेपरस देखा कि यहाँ की जमीन अच्छी है यहां पर जो है वो हम भी खेत बनाएंगे तो वो भी आ गए वहां पे हमने कहा देखो हमारा बाउंड्री ये है हमारे खेत का कोई इधर नहीं आएगा सबने कहा ठीक है फिर दूसरे होमो होमोसेपरस थे हम लोग मेहनत करके फसल उगाया करते थे दूसरे होमो होमोसेपर हमारे यहां आते थे और हमारी फसल को चुरा के ले जाया करते थे छीन के ले जाते थे हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि नहीं हम अपने गांव के बाहर एक बाउंड्री बनाएंगे इस बाउंड्री के में कोई अंदर इंटर नहीं करेगा और हम सभी लोग सैनिक बन के खड़े रहेंगे बाहर कोई आएगा तो मार के भगा देंगे उसको पहली बार सेना बनी पहली बार जमीन का हिस्सा तय हो गया कि यहां पर हम खेती करेंगे कोई दूसरा अंदर आके हवाई फसल छीन के नहीं ले जाएगा कोई लुटेरा यहां नहीं आएगा राज्य की स्थापना हुई फिर किसी ने कहा कि भैया अब ये पैदा कर रहे हैं हम लोग जो इसमें कभी कोई दिक्कत ना हो कोई किसी को चुरा लेता है कोई किसी का जो खेत में कुछ गड़बड़ कर दिया तो उन्होंने कहा अब एक आदमी को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा कि वो सबको देखेगा राजा बना मुखिया बना सच में आप कभी मानव शास्त्र पढ़ेंगे मैंने पढ़ा हुआ एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी के समय आपका जिंदगी के बारे में सोचने का नजरिया बदल जाएगा जिन चीजों पर लोग लड़ते हैं वो निर्थक निरर्थक हैं

सच बोलूं तो सच्चे शब्दों में बोलू हम मनुष्य को हमारी औकात दिखा दी एक वायरस ने और हमें एक माइक्रोव जिसको हम देख भी नहीं पाते उसने हमको बहुत परेशान कर दिया धरती पे इस बार मतलब संभावना है अभी भी यह है कि हमको बहुत कुछ सीखना जानना बाकी है ऐसी दुनिया है एक जिसका डायमेंशन हमसे अलग है उस उसके बारे में जानने की आवश्यकता है माइक्रोव की दुनिया के बारे में आज भी हमारी जानकारी है वो एक से भी कम है खैर बात इतनी सी है कि यहां पर यहां पर हमारा इवोल्यूशन का चैप्टर जो है पूरा होता है जिसमें हमने सारे एनसीआरटी के सारे पॉइंट कवर किए हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा बेटा हमने इसमें ठीक है एक बात जो आपको हमारा बायोमेंट्रिक का सुप्रीम कमांडर कहता है वो है इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केर यू दे आर टू स्मॉल यदि तुम्हारे सपने तुमको डराते नहीं है यदि तुम्हारे सपने तुमको डराते नहीं है यकीन मानिए सपने बहुत छोटे हैं तो यकीन मानिए सपने बहुत छोटे हैं बड़ा करो उनको इतना बड़ा करो कि तुम डर जाओ और फिर साहस दिखाओ और जीत कर दिखाओ है ना बात पते की बात है ये मैं कहता हूं ना जंग लगने से बेहतर है घिस जाना तो बेटा वक्त आ गया है दम से पढ़ते हैं जम से पढ़ते हैं और फोड़ देते एग्जाम ऑल द बेस्ट 嗯。